हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस मंच में। जीएस पेपर फोर सबसे आसान तरीके से एथिक्स, इसके बारे में हम कर रहे थे चर्चा। आज हम करेंगे कमज़ोर वर्गों के प्रति सहिष्णुता, मतलब कि टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या होता है, उसमें और क्या क्या सब टॉपिक हैं, हम क्या क्या इसमें और पढ़ सकते हैं, एक क्वेश्चन किस हिसाब से आते हैं, ये सब हम इसमें देखेंगे। हम लोग कर रहे हैं यूपीएससी मेंस 2018 के लिए मेंस की तैयारी, जिसमें जीएस पेपर फोर ये अभिवृत्ति का टॉपिक है, ये जो हम कर रहे हैं यहाँ पर। मैं आपको यहाँ पर सिलेबस भी दिखाऊंगी और इसके बाद जो भी इसका पॉइंट्स हैं वो आप यहाँ पर हमारे साथ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सहिष्णुता। बट सहिष्णुता शुरू करने से पहले मैं जैसा हर बार बोलती हूँ, आज भी यही बोलूँगी कि जो जिस व्यूवर्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पे बहुत सारी आप लोग के काम की वीडियोस आती रहती हैं। जैसे कि सीटेट की सीरीज चल रही है, इसके बाद यूपीपीएससी की सीरीज चल रही है, यूपीएससी की भी सीरीज चलेगी, यूपीपीएससी लोअर का एग्ज़ाम आने वाला है उसकी सीरीज़ मैं चलाऊंगी। तो ऐसे ही बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं जिनकी सीरीज़ हमारे चैनल पे चलाई जा रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे अभिवृत्ति की। अभिवृत्ति में आपने देखा सारा टॉपिक हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ, सिर्फ ये दो टॉपिक रह गए, सहिष्णुता और करुणा। सहिष्णुता आज मैं कंप्लीट कर दूंगी और इसका पीडीएफ मैं अपने सक्सेस मंच पेज और टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और लास्ट टॉपिक रह जाएगा करुणा, वो मैं कल लाके से ख़त्म कर दूंगी और इसके बाद जो भी और इसमें टॉपिक्स हैं वो हम कंप्लीट करेंगे फटाफट से। तो चलिए हम इसमें पढ़ेंगे सहिष्णुता होती क्या है, इसका महत्व क्या है, और लोक सेवक की भूमिका क्या होती है, सहिष्णुता के संदर्भ में लोक सेवक को कैसा होना चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो क्वेश्चन कैसा भी घुमा फिरा के आएगा, आप इसी हिसाब से आंसर लिखेंगे। सहिष्णुता, सबसे पहले हम बात करें सहिष्णुता मतलब टॉलरेंस। टॉलरेंस जैसे हम इसकी टॉलरेंस का हिंदी अगर वर्जन देखें तो सहन करना, सहिष्णुता मतलब सहन करना। अब क्या चीज़ सहन करना और इसको थर्टिकल लैंग्वेज में अपने आंसर शीट में कैसे लिखेंगे वो हम देख लेते हैं। अपने जो सहिष्णुता का अर्थ होता है, वहाँ अपने से भिन्न मतों, व्यवहारों, सिद्धांतों को भी धैर्य के साथ सहन करने की योग्यता ही सहिष्णुता कहलाती है। अगर हम बात करें सहिष्णुता के शाब्दिक अर्थ की तो उसका अर्थ है सहन करना, जैसे कि मैंने आपको बताया। अगर हम इस दृष्टि में बात करें तो जिन व्यक्तियों की आदतों, विचारों, धर्म, राष्ट्रीयता आदि से भिन्नता रखता है अगर कोई व्यक्ति, या विरोध रखता है, मतलब कि यहाँ पर है कि किसी को अगर किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति की आदतों, विचारों, धर्म, राष्ट्रीयता से उसे बिल्कुल भी लगाव नहीं है, उससे वो भिन्न मत रखता है या फिर उसे विरोध रखता है, उसके प्रति भी एक वस्तुनिष्ठ, न्यायोचित और सम्मानपूर्वक मनोवृत्ति बनाए रखना तथा किसी भी प्रकार की आक्रामकता से बचना ही सहिष्णुता कहलाती है। आपको यहाँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर हम एक पर्टिकुलर लोक सेवक हैं, एस्पिरेंट हैं, हम सामने वाले व्यक्ति की किसी भी बात से सहमत नहीं हैं, तो भी हम उसके प्रति एक सम्मानपूर्ण रवैया बनाए रखते हैं और उसके प्रति कोई आक्रामकता नहीं रखते, उसी को हम सहिष्णुता कहते हैं। लेकिन आजकल का सिनेरियो है, वहाँ पर सहिष्णुता कहीं भी दिखाई नहीं देती है, चाहे हिंदू मुस्लिम का टॉपिक हो, चाहे फिर राज्य का टॉपिक हो, राज्य की पृथकता का टॉपिक हो, कहीं भी हमें सहिष्णुता नहीं दिखाई दे रही है। तो आप यहाँ पर एग्जांपल दे सकते हैं इस हिसाब से। अगर हम नकारात्मक अर्थों में सहिष्णुता की यहाँ बात करेंगे तो इसका तात्पर्य केवल विरोधियों को सहन करने की क्षमता से ही नहीं होता, वर्तमान में इसका सकारात्मक अर्थ भी प्रयोग किया जाने लगा है, जैसे कि अपने विरोधियों के विचारों का सम्मान करना, उन्हें सुनने की ताकत रखना और उनका पक्ष तार्किक या सही है तो उसे स्वीकार भी करना। इस प्रकार अगर हम जिस भी विरोधी की भी बात से अगर सहमत नहीं होते हैं लेकिन उसे भी स्वीकार करते हैं तो उसे ही हम यहाँ पर सहिष्णुता कहेंगे। अगर हम बीते कालों की बात करें, प्राचीन काल की, तो मध्यकाल में जो धार्मिक संघर्ष है वो बहुत ज़्यादा होते थे उस समय, इसीलिए धार्मिक सहिष्णुता भी बहुत ज़्यादा थी।
जैसे कि अशोक और अकबर जैसे शासक थे, उन्होंने अपनी धार्मिक सहिष्णुता के कारण ही महानता की कोटि में वो शामिल हो चुके, क्योंकि उनका सुलह कुल नीति थी अकबर की। और अशोक ने भी अपना जो संघर्ष था, वो युद्ध था, उस हिंसा को त्याग कर उन्होंने भी बौद्ध धर्म अपनाया, उन्होंने भी अहिंसा का मार्ग अपनाया, तो इसीलिए वो काल भी हम सहिष्णु काल कह सकते हैं। ऐसे ही पश्चिम में इरास्मस ने पुराण जागरण काल में सहिष्णुता का विचार दिया था। टॉमस मूर ने यूटोपिया में कहा था कि सभी धर्मों के लोग प्रेम से रहेंगे। अगर हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करें तो सहिष्णुता की आवश्यकता केवल विभिन्न धर्मों के प्रति ही नहीं है, विभिन्न जातियों, महिलाओं, वृद्धों, बच्चों, दिव्यांगों, किन्नरों, LGBT समुदाय, शरणार्थियों और विदेशियों के प्रति भी यहाँ सहिष्णुता की आवश्यकता होनी चाहिए। तो यहाँ पर सहिष्णुता की पूरे अच्छे से डेफिनेशन मैंने आप लोगों को क्लियर कर दी है। होप आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए। चलिए आगे करते हैं, महत्व करते हैं, सहिष्णुता के महत्व क्या है या फिर उसके लाभ क्या होते हैं। सहिष्णु अगर कोई व्यक्ति है या कोई समाज है तो उसके लाभ क्या क्या हो सकते हैं। लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना होती है, सबसे पहले यहाँ पर ये पॉइंट काम आएगा, क्योंकि विरोधियों के विचारों को अगर सुनने की ताकत है किसी इंसान में, समाज में, तो समाज और राजनीति दोनों ही लोकतांत्रिक बन जाते हैं। नए मौलिक विचार प्राप्त होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि दूसरों को सुनने की वजह से, धैर्य से सुनने की वजह से अपने नए मौलिक विचार प्राप्त हो जाते हैं, जो व्यक्तियों तथा समाज की दिशा ही पूरी बदल देते हैं। क्योंकि अगर हम सामने वाले की बात को समझेंगे, सुनेंगे, तभी तो हम उसको भी ऑब्जर्व करेंगे और अपने विचारों को ऑब्जर्व करके नए विचार प्राप्त वहाँ से कर सकते हैं। थर्ड इसमें पॉइंट है, समाज की दिशा में परिवर्तन। समाज की दिशा में कैसे परिवर्तन होता है कि अगर नए मौलिक विचार आएंगे तो नए नए इन्वेंशन होंगे, नए नए चीज़ें सामने आएंगी, तो समाज भी उसी ढर्रे पर चलेगा, इसलिए वहाँ पे परिवर्तन संभव है। यहाँ दूसरों को प्रेरित करने में सहायक, अगर व्यक्ति दूसरों के प्रति सहिष्णु व्यवहार करता है तो धीरे धीरे दूसरों को भी प्रेरणा मिलती है कि वे भी अन्य लोगों के प्रति सहिष्णु व्यवहार करें, तो और इसी कारण नैतिक प्रगति में सहायता होती है, क्योंकि इससे चिंतन और अभिव्यक्ति जो क्षमता है वो बढ़ती है, स्वतंत्र चिंतन को बढ़ावा मिलता है, स्वतंत्रता को बढ़ावा मिलता है, इस कारण से नैतिक प्रगति होती है। नेक्स्ट है, आतंकवाद को रोकने में सहायक होता है ये। 20वीं सदी में आतंकवाद व जो जेनोसाइड की जितनी घटनाएं घटी हैं इससे पहले कभी नहीं घटी हैं, तो ऐसे में सहिष्णुता के अलावा यहाँ पर कोई और चारा दिखाई ही नहीं देता। अगर लोगों के अंदर सहिष्णुता का भाव होगा तो ये आतंकवाद की घटनाएं काफी हद तक रोकी जा सकती हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, विश्व में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए आवश्यक है। आज जो पूरे वर्ल्ड में भूमंडलीकरण के साथ साथ सभी समाजों में वैविध्य में वृद्धि हो रही है, मतलब विविधता बहुत ज्यादा है समाजों में। लगभग सभी समाजों में धर्म, नस्ल और राष्ट्रीयता के विभिन्न समूह हमेशा साथ साथ रहते हैं, तो इसलिए विश्व में शांतिपूर्ण सहस्थापित अस्तित्व के लिए सहिष्णुता बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर ये महत्व थे, इसके महत्व, लाभ आप कुछ भी कह सकते हैं, विशेषताएँ कुछ भी यहाँ पर एग्जाम में आएगा आप ये यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, आगे है लोक सेवकों की भूमिका, मतलब कि लोक सेवकों की भूमिका कैसी होनी चाहिए कि सहिष्णुता को बढ़ावा मिले उससे। तो यहाँ पर लोक सेवकों से ये अपेक्षा की जाती है कि वह सहिष्णु हो, कि भारतीय संदर्भ में जहाँ तक हम बात करें तो विभिन्न प्रकार की विविधताएं और भिन्नताएं भारतीय संदर्भ में पाई जाती हैं, वहाँ सहिष्णुता की बहुत ही अधिक आवश्यकता होती है। कोई भी अपने विचारों, विश्वासों, मान्यताओं और मतों को दूसरों के ऊपर बल या दबाव पूर्वक थोपने का प्रयास ना करे तथा इस संदर्भ में उचित वातावरण तैयार करने का जिम्मा एक लोक सेवक का ही होता है, एक पब्लिक सर्वेंट ही ये तय करता है कि वो अपना जो अपने उसको प्रशासन का एरिया दिया गया है वो कैसे उसका वातावरण तैयार करता है। तो अपने कार्य दायित्व के निर्वहन के दौरान वो धैर्य खोए बिना विभिन्न विवादों की स्थिति से निपटने एवं जो उसके विरोधी मत होते हैं मतों को भी स्वीकार करने और संवैधानिक समाधान निकालने के लिए एक लोक सेवक को सहिष्णु होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। तो इस टॉप ये जो पॉइंट है लोक सेवक की भूमिका, तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि एक प्रशासन में लोक सेवक की भूमिका सहिष्णुता के संदर्भ में आप क्या समझते हैं या भूमिका सहिष्णुता के संदर्भ में समझाइए।
एक लोक सेवक को सहिष्णु होना क्यों आवश्यक है बताइए। इस टाइप से तो आप उसमें महत्व भी लिख सकते हैं, जो उसके महत्व है, और यहाँ जो मैंने पॉइंट दिए वो भी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो यहाँ ये टॉपिक मेरा खत्म होता है सहिष्णुता का। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। और अगर कोई डाउट है, कोई लाइक डिसलाइक आपको मुझे कहना है, तो वो कमेंट के थ्रू मुझे कह सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट करके, सॉरी, वीडियो के नीचे कमेंट करके आप मुझे वो बता सकते हैं क्या चीज़ नहीं पसंद है और क्या चीज़ आप देखना चाहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं ज़रूर हाजिर होंगी, करुणा का टॉपिक लेकर आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।